हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और आज आपके लिए जबरदस्त वीडियो सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स जी के ट्रिक्स पर। सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जीके के 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10 सालों के पेपर के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। डायरी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन को डायरी पे नोट करते चले जाइए ताकि वो आपके अच्छी तरह काम आ पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये आपके लिए जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। डायरी पेन लेके बैठेंगे तो तुरंत आपको ये याद हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल मेरा ए टू जेड करियर्स जीके ट्रिक्स है। अगर आप इस चैनल पर जाएंगे तो तुरंत आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube चैनल मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आज का, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन से पूरे भारतवर्ष में आरक्षण लागू हुआ था और ये बात है 1989 की, 1989 की। राजीव गांधी की समर्थन से गवर्नमेंट बनी थी जनता दल की और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। सॉर्स क्या है? सॉर्स, मर्स और स्वाइन फ्लू, ये तीन बीमारी कोरोना वायरस से पहले आ चुकी हैं और सॉर्स भी एक वायरस वाला रोग था। आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि कोरोना किससे फैलने वाला है। और ये सभी को पता होगा, आजकल न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे, कोरोना भी वायरस से फैलने वाला रोग है। और ये किस शहर से स्टार्ट हुआ? चाइना के एक शहर से स्टार्ट हुआ था। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और कोरोना का नाम कोरोना क्यों रखा गया ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। कहा जाता है गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। इसी तरह श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन है। दुग्ध उत्पादन से ये रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। अमूल कंपनी गुजरात के आनंद में बनी थी और तब श्वेत क्रांति आई थी। और अमूल ब्रांड का मक्खन आपने सुना ही होगा। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड 2002 के आसपास हुआ था, रेलगाड़ी में लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तब गुजरात में दंगे हुए थे, गोधरा कांड। उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। इन्हें बहादुर शाह जफर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। 1815-17 के गदर के ये लीडर थे। इन्होंने लीड किया था लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके बर्मा में कैद कर दिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया और लॉर्ड विंडलियम बेंटिक की सहायता से 1929 में इस पे पूर्णतया बैन लग गया था। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की फुल फॉर्म है, अन्य पिछड़ी जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सबसे ज़्यादा लोहे का स्टील का उत्पादन करती है सेल, ये स्टील उत्पादन के लिए होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। स्टील किन दो मटेरियल से बनता है? एक मैं बता देता हूँ, एक तो इसमें आयरन लोहा मिलाया जाता है, दूसरी एक धातु और मिलाई जाती है जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता और वो बन जाता है स्टील। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जैसे ये डिमांड ड्राफ्ट होता है, आपको मैं बता दूं डिमांड ड्राफ्ट इस तरह का होता है, तो क्रॉस में यहाँ पे दो लाइन खींच दी जाती हैं, इसे क्रॉस बोलते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, यानी भुगतान को आप कैश में नहीं ले सकते, वो आपके अकाउंट में ही जाएगा। वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों को ही क्रॉस किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है, यह जयपुर में लगाया जाता है। जयपुर का प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला इसमें कहा जाता है जानवरों का भी मेला लगता है और यहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ब्रह्मा मंदिर है जो कि अजमेर के पास है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी सिंगापुर में। बाद में इसको बढ़ाने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को ही जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7th पोजीशन पे आता है विश्व में, लेकिन जनसंख्या के मामले में 2nd पोजीशन पे आता है। जाकिर हुसैन
जाकिर हुसैन क्या चीज़ प्ले करते हैं, ये करते हैं तबला प्ले। आपने ताजमहल टी का ऐड देखा होगा जाकिर हुसैन वाह उस्ताद के नाम से, तबला वादक जाकिर हुसैन है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजयघाट, विजयघाट के नाम से ये समाधि स्थल जाना जाता है और ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। और मसाले सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं केरला में, इनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है केरला में, और मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। ये सूचक अगर बना हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये पुल का सूचक है कि आगे पुल है। आपने एक ट्रायंगल भी देखा होगा कई बार, इस तरह का एक सिंबल बना होता है और उस पर इस तरह का ये बना होता है, इसका मतलब होता है, मैं आपको बता दूँ, ये सिंबल आपको जानने चाहिए, अगर आप डीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो तब आपके काम आते हैं। ये सिंबल है कि आगे आपके लिए कट बना हुआ है, तो इस तरह के ये आप ज़रूर याद करें। नाजीवाद के संस्थापक कौन है, नाजीवाद, नाजी NAZI, और इनका सिंबल सतिया हुआ करता था, जो हिंदूवादी रास में सतिया आपने देखा होगा, तो नाजीवाद का सिंबल यही हुआ करता था। और नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर, हिटलर के कारण ही वर्ल्ड वॉर हुआ था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया था और अकबर की मृत्यु तक ये चला। इसमें सभी धर्मों को बराबर की संख्या दी गई थी, लेकिन अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की जैसे नींव पड़ी जहांगीर, साझा, औरंगजेब, और औरंगजेब तो सबसे खतरनाक माने जाते थे मुगल वंश के किंग। किसे गरीब नवाज कहा गया है, गरीब नवाज कहा गया मोइनुद्दीन चिश्ती को, और इनकी मकबरे पर, इनकी दरगाह पर जाया करते थे अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ये आपका आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसका आंसर जरूर लिखा करें, इससे हमें पता लगता है कि आप अपनी कितनी तैयारी करते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी ना तो मैंने उसमें बता चुका हूँ, मुगल साम्राज्य की मैंने वीडियो दी थी 7 वीडियो, और उसमें एक एक क्वेश्चन मैंने कवर किया था। कुतुब मीनार कहाँ है ये सभी को पता होगा, दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है, घाटी। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से, इन दोनों को लाल रंग से दर्शाया जाता है पर्वत और पहाड़ को। सिल्क यानी रेशम, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाइना, सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन चाइना में होता है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, नवाज शरीफ कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और भारत ने इसे जीता था, और ये कारगिल युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया और इसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर दें और एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सभी को पता है मोर है राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस है, जिसकी अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में सोनिया गांधी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में हुई थी, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे AOHU। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी होती है, जो मैप्स में बनी होती है, यह कार्स्ट विडो, कार्स्ट विडो भूमिगत जल से बनी होती है। खरीफ फसल क्या है, ये कई बार पूछा जाता है, मक्का खरीफ की फसल है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, बाजरे की फसल सर्दियों में काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। एस्किमो के घर किस चीज़ के बने होते हैं, एस्किमो के घर बर्फ़ के बने होते हैं और ये ध्रुवों पर पाए जाते हैं। एस्किमो एक प्रजाति है और इनके घर बर्फ़ के बने होते हैं, और एस्किमो के इन घरों को क्या कहते हैं, मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, IG इसके पहले लेक्चर में आएगा और ये 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जल्दी से इसका आंसर लिख भेजे, एस्किमो के घर क्या कहे जाते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, 1911 तक दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, और 1911 में इसे स्थानांतरित किया दिया गया था दिल्ली में।
लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। लाल त्रिकोण आपने देखा होगा, इस तरह का लाल त्रिकोण बना होता है, वो रेड ट्रायंगल किस चीज का सिंबल है। ये रेड ट्रायंगल संबंध है परिवार कल्याण का। कॉन्टूर रेखा क्या दर्शाती है, कॉन्टूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो, अगर हम 165 मीटर ऊपर की ओर चलेंगे, जितना भी हम ऊपर जाएंगे 165 मीटर, तो माइनस एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता चला जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई थी मैंने 8848 मीटर, इसका आंसर मैंने पूछा था, अभी तक किसी ने भी आप में से जवाब नहीं दिया, तो तुरंत इसका आंसर जरूर दें। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में, कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन थे, महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। कई बार गीता पूछ लिया जाता है और महाभारत में ही गीता है और गीता भी वेदव्यास ने ही लिखी थी। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, सिंघली जनजाति श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, होलिका दहन के समय जौ को जलाया जाता है। गाँव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है, जिला परिषद को होती है। खुदाई खिदमतकार पार्टी की स्थापना किसने की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और ये पहले व्यक्ति थे जो विदेशी थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है, प्रयागराज। अब इलाहाबाद नहीं है, इसका नाम प्रयागराज हो गया है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, हिमाद्र कहते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, 7500 किलोमीटर लंबी है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। कथकली किस राज्य का नृत्य है, कथकली केरल का, और कथक अगर खाली कथक आ जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, छिपरा नदी के किनारे बसा है। दल बदल कानून कब पारित किया गया था, दल बदल कानून 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय पारित किया गया। घाना बर्ड सेंचुरी बड़ी फेमस है, भरतपुर में राजस्थान में स्थित है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था इसे, आजकल हम पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, भारत में प्रमुख चाय असम में होती है, असम की चाय सबसे ज़्यादा फेमस होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी, और ये कई बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, संतोष यादव, पहली थी बछेंद्री पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तरांचल में, और उत्तरांचल की कैपिटल आपको पता है देहरादून है, लेकिन अब इसका नाम उत्तराखंड हो गया है, अब इसकी राजधानी एक और बन गई है देहरादून के अलावा। इसका नाम मैं आपको करंट अफेयर्स की क्विज में दे चुका हूँ, तो आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा अन अकेडमी पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था, महमूद गजनवी ने। कहते हैं इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर 17वीं बार में ये सफलता प्राप्त कर पाए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला और पहली व्यक्ति थी। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और अक्टूबर की कौन सी तारीख को हुई थी, ये 2 मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, अक्टूबर की किस तारीख को UNO की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, भारत सबसे ज़्यादा सूती कपड़े का निर्यात करता है और गांधी आश्रम इसके लिए फेमस है जहाँ सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा निर्यात भारत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चन मैंने तैयार किए 62, और साथ साथ मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, देखते हैं आप में से उनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। एक पिछली क्विज का आंसर भी पूछा है,
जो मैंने पूछा था 8848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, अगर हम जीरो लेवल पे माने तो कितने डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा टॉप पे माउंट एवरेस्ट के। ए टू दर कर एसटी के ट्रिक्स में मैं पिछले 29 सालों से पढ़ाता हूँ। आप मुझे अन अकेडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं, DRPUNITGOEL, ये मेरा प्रोफाइल नेम है, अन अकेडमी के एप्लीकेशन में आसानी से मिल जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और लाइक का बटन दबाने के बाद आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप हों उन सब में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। और अगर आपने हमारी वीडियो 100 मिनट 200 मिनट जितने मिनट भी देखे, एक हैट आप कमाते हैं, इसे आप हमें डेडिकेट किया करें, ताकि आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, हम कल मिलेंगे आपसे। और प्यारे छात्रों, यहाँ साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात, आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए और अप्लाई उसमें खोलिए यूट्यूब का एप्लीकेशन। यूट्यूब में आप सर्च बॉक्स में डालिए A2Z करियर्स, ए न्यूमरल 2Z CARERS, A2Z करियर्स आप डालिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, यहाँ आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी। अगर आप देखते हैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल की पढ़ते हैं, दैनिक विज्ञान, हर रोज़ सुबह 8 बजे ठीक आपके मोबाइल ऐप में मेरी एक वीडियो पहुंच जाती है। देखिए हम 10 20 30 40 वीडियो नहीं डाल रहे हैं, एक वीडियो डालते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट 20 ईयर के ऊपर बेस्ड हम डालते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाकर आप शेयर जरूर कर रखें। और एक कम्युनिटी बॉक्स में मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, आप इसको जरूर टच करके एग्जाम में आंसर दिया करें। ये पहले क्वेश्चन का आंसर जैक मा सही है काफ़ी बच्चों का, और हाल ही में कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार को वित्तीय सहायता की मंजूरी किसने दी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। और ये कोवा पंजाब था, ये ज़्यादातर बच्चों का गलत है, एंड कोरोना नहीं था, कोवा पंजाब के नाम से ये मोबाइल ऐप था पंजाब सरकार का, ये थोड़े बच्चों का गलत है। 31 मार्च तक सभी थिएटर सबसे पहले केरला ने बंद किए हैं, ध्यान दीजिएगा सबसे पहला राज्य था केरला, और दिल्ली ने आज से बंद किए हैं 12 मार्च से, ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल से वो थे। हाल ही में महिला खिलाड़ी ICC T20 में, इस तरह से करंट अफेयर्स आपको सब चीज़ मिलती है, इन्हें ज़रूर अटैम्प्ट कर रखें। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318, यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर दैट। और PDF डाउनलोड करनी हो तो ये अबाउट में जाके PDF नोट्स a2zcs.widen.io आप क्रोम में खोलेंगे, तुरंत इस पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं और आपको मिलेंगी सभी PDF बिल्कुल फ्री। मेरा चैनल है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है a2zcs.widen.io, याद रखिएगा, इस पर आप डाउनलोड करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से, और उन वीडियो की सबकी PDF भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, सायोनारा।